नफरत कमाना अच्छी बात है, जिंदगी में आगे बढ़ना वो भी अच्छी बात है, जिंदगी में किसी को हौसला देना ये भी अच्छी बात है, किसी को ऊंचाई शिखर पे पहुंचाना ये भी अच्छी बात है, लेकिन किसी के साथ फ्रॉड मत करिए। अभी आपने एक न्यूज देखा होगा, अभी लखनऊ में एक लड़का गिरफ्तार हुआ जो टिकटॉक बनाता था। ये कुछ लोग टिकटॉकर में आ गए हैं तो ये हीरो हीरोइन नहीं है, ये बकलोल है एक नंबर के, क्योंकि ये अपनी उल्लू सीधा कर रहे हैं और अपने थ्रू इन लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जो असली में फिल्म स्टार होते हैं या फिल्म बनाने वाले होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग किसी के साथ चीट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ बिजनेस करना है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना, हमें अपना नाम कमाना है। लेकिन ये कुछ फ्रॉड जो गाँव के, जो कहीं इधर उधर के जो गंवार बेवकूफ गधे लोग होते हैं ना, ये टिकटॉक हो चाहे किसी भी हो फील्ड में आ जाते हैं, फिर लोगों के साथ चीट करने लगते हैं, उनको बेवकूफ बना के इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसे लोगों से बचे रहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपको अच्छा रास्ता नहीं बताएंगे, आपको गड्ढे में गिरा देंगे। चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी हो, एक दूसरे के लोग गड्ढे में गिराते हैं। तो ये इस लाइन में अपना एक मुद्दा समझते हैं कि चलो आसानी तरीके से इस लाइन में आ जाते हैं और उसके बाद में फेमस हो जाते हैं, फेमस होने के बाद में हम किसी के साथ चीट कर सकते हैं, क्योंकि जो ये गलत काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से बचे रहिए, ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार का पैसा कौड़ी मत दीजिए, क्योंकि पैसा आपने मेहनत से कमाया है। अगर किसी को स्टार बनाना है तो वैसे ही बना देगा, अगर आपको स्टार आपकी किस्मत में लिखा होगा तो अपने आप बन जाएंगे। लेकिन किसी के भरोसा मत करिए, किसी की ये मत करिए कि आप मुझे बना दीजिए, मैं आपको करोड़ों रुपए दूंगा। कोई संसार में किसी का सगा नहीं है, इसलिए दूर रहिए। जो अपना ना हुआ दूसरे का क्या, अगर वो इतना बड़ा टिकटॉकर, अगर इतना बड़ा एक्टर होता तो वो ना जाने कितनी बड़ी बड़ी फिल्में कर चुका होता या नाम सेलिब्रिटी में होता, लेकिन नहीं है। ये टिकटॉक, ये छोटे मोटे बना करके वीडियो कुछ नहीं उखाड़ सकते, इनका कुछ भी हैसियत नहीं होती है। ये रहते हैं किराए के मकान में, दिखाते हैं बंगला, खाते हैं सूखी रोटी, दिखाते हैं पिज़्ज़ा बर्गर। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ऐसे लोगों से बहुत बच के रहिए। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो टिकटॉक में हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे फिल्म लाइन में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो। यहाँ तक कि लोग, कुछ लोग झूठ बोल करके कहते हैं मैं नौकरी दिला दूंगा, लोग पैसे ले लेते हैं, उन लोगों से भी बच के रहिए, फ्रॉड से बचिए। बहुत बड़ी दिक्कत संसार में हो रही है, आपको पता भी नहीं होगा, और आपके नाकों तले से लोग क्या से क्या निकाल के लेके चले जाएंगे। तो इसलिए ऐसा कोई काम मत करिए, किसी के पर इतना विश्वास मत करिए कि अपना पैसा कौड़ी सब कुछ दीजिए और बाद में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप कोर्ट कचहरी भी के चक्कर काटेंगे तो भी आप भी तो परेशान होंगे ना। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, वो तो परेशान होगा, वो तो जिंदगी भर के लिए उनकी निकल गई गाड़ी, लेकिन आप तो थोड़े दिन के लिए परेशान होंगे। लेकिन ऐसा क्यों करना, क्यों किसी को पैसा देना, क्यों किसी के चक्कर में पड़ना, मत करिए ऐसा, ऐसे लोगों से दूर रहिए। ये गिफ्ट देने वाले, पैसा देने वाले, ये सब फ्रॉड होते हैं, क्योंकि इनका काम धंधा तो कुछ चलता नहीं, सिर्फ फ्रॉड गिरी करके ये आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि जो अच्छे लेवल का काम कर रहा है, जो अच्छे फील्ड में, वो ना ही किसी को गिफ्ट देगा, ना ही पैसा देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने काम में खुद ही बिजी रहेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ना आपको गिफ्ट देने वाली हूँ, ना मैं कोई पैसे देने वाली हूँ, मैं ऐसा कोई फ्रॉड का काम करती नहीं, ना मैं ऐसा खराब फ्रॉड काम करने कोई किसी को कहूँगी, ना ही कोई सजेशन देती हूँ। बहुत ही दूरियाँ बना कर रखती हूँ मैं ऐसे लोगों से, ना ही दलालगिरी करती हूँ कि मैं लोगों को मिलवाने का आश्वासन दूंगी या बोलूँगी भैया मैं आपको मिलवा दूंगी, आप मुझे ऐसे अकाउंट में पैसे डालो, ये सब से मैं बहुत दूर रहती हूँ। मुझे ये सब पहले से ही नहीं पसंद है, ना आप पसंद है, ना हमेशा पसंद रहेगा। तो ऐसे लोगों से आप भी बच रही है, जो गिफ्ट बांट रहे हैं ना आजकल किराए के टट्टू में रहते, अगर इतनी औकात होती ना तो अपने सास ससुर को ले आते शहर में, अच्छा खासा बंगला बना देते। दूसरों को गिफ्ट देने से पहले अपने सास ससुर, अपने माँ बाप को गिफ्ट दे दीजिए, इतनी औकात नहीं है इनकी। ये रोड छाप लोग हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, और लोगों इनके चक्कर में जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टार वो भी बदनाम हो रहे हैं। जैसे ये तेल में दो नंबर का तेल मिला करके, पता नहीं क्या क्या मिला करके तेल वगैरह खाने में चीजें बेच देते हैं, उसके बाद में लोगों का असली तेल से भी उठ गया है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। तो इसी तरह ये फील्ड में, फिल्म लाइन में लोग आ गए हैं, यूट्यूब पे अपने अपने वीडियो बना करके मैं गिफ्ट दूंगी, ये करूंगी, वो करूंगा, और अपने बॉडी को दिखा, ऐसा कुछ नहीं। जो सेलिब्रिटी है सेलिब्रिटी है, क्योंकि वो अपनी सच्चाई से बना है। ऐसे फ्रॉड लोगों से दूर रहिए, और ना ही किसी को अकाउंट नंबर दीजिए, ना ही किसी को ईमेल आईडी शो करिए, ना ही अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर किसी को शो करिए। ऐसे लोगों से बचे रहिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है आपको तो अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने हिम्मत से आगे बढ़ेंगे, किसी के कहने पे नहीं।
किसी के कहने से आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपके में ताकत होगी, आप में हिम्मत होगी, आप में हौसला होगा, तो एक दिन आप आगे बढ़ेंगे। जैसे मुझे ना जाने कितने लोगों ने कहा कि अरे ये छोटी बच्ची ये कुछ नहीं कर पाएगी, ये वे दुनिया भर का, अरे ये आगे डायलॉग नहीं बोल पाएगी आगे के। आज के दौर पर मैं काम कर रही हूँ, जो मेरे साथ जो मुझे बोलते थे आज के टाइम पर वो वही जगह पड़े रह गए, अब उनकी ज़िंदगी बदतर हो गई है। तो ऐसे लोगों से मैं पहले ही दूरियाँ बना के रखती थी, जो लोग बोलते थे मैं उनकी सुनती भी नहीं थी, क्योंकि मैं अपने मन का काम करती थी। तो इसलिए मैं आगे बढ़ी, हौसला मेरे अंदर था। तो आपके अंदर भी हौसला है तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये कि कोई आपको झांसा दे, मैं ये काम कर दूंगा, वो काम कर दूंगा, ये शादी का लालच दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ नहीं, नथिंग। आप बहुत ही दूरियां बना कर रखी है ऐसे फ्रॉड लोगों से, ऐसे 420 लोगों से। यहाँ तक कि ऑनलाइन बिजनेस भी ज़्यादातर फ्रॉड हो रहा है, तो उनसे बचे रहे। कुछ लोग कहते हैं अगर इतना ऑनलाइन बिजनेस कमाई देता ना तो लोग करोड़पति नहीं खरकपति होते, ऐसा कुछ नहीं, सब बेवकूफ़ बना रहे। आप दूरियां बना कर रखिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब लाइक करके रहिएगा। धन्यवाद वेरी मच।